जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद हेयर। और जैसे कि आपको पता है कि 28 जून से पूरे पाकिस्तान में DHMS के एग्जामिनेशन हैं, तो मैं थोड़े से इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बातें कि जिसकी मदद से आपका पेपर आसान हो सकता है। इसके साथ साथ हमने चारों ईयर के लिए कुछ हमने शॉर्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन का स्टार्ट किया है, तो जो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकें और वहाँ पे तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट नोट्स जो है हम आपके साथ शेयर कर सकें ताकि आपके लिए आसान हो। देखिए, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा चीज़ें मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट ईयर के लिए और उसके बाद में फर्दर आगे लेके चलूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो है बड़ा चीज़ों को पढ़ना तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़े थोड़े से की पॉइंट बताता हूँ आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि आप देखें कि इम्तहान के अंदर DHMS 16 नंबर का एक सवाल आता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो चार पेपर के आपको इम्तहान देने हैं, थ्योरी के और दो प्रैक्टिकल हैं। इसी तरह सेकंड ईयर में भी चार पेपर के इम्तहान देने हैं, थ्योरी के और दो प्रैक्टिकल हैं। और थर्ड और फोर्थ ईयर में पांच पांच पेपर के इम्तहान आपने देने हैं और इसके अलावा दो दो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, यानी कि सर्वाइवर शामिल है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि 16 नंबर का एक सवाल आता है और बाज़ दफ़ा सवाल में एक ही सवाल आता है और बाज़ दफ़ा सवाल के दो हिस्से होते हैं और बाज़ दफ़ा तीन हिस्से भी होते हैं। तो अगर सवाल के दो हिस्से तो आप समझ जाएँ कि ये 8-8 नंबर के दो हिस्से हो गए, और सवाल के इसी तरह अगर तीन हिस्से हैं तो फिर आप वो समझ जाएँ कि ये 6-6 नंबर के, इस तरीके से आप इसको लेके आगे चल सकते हैं। मैट्री, मेडिकल और फिलोसफी से आगाज़ करते हैं क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, ठीक है जनाब। मैट्री, मेडिकल फर्स्ट ईयर का भी सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर का भी है, थर्ड ईयर का भी और फोर्थ ईयर का भी, सेम फिलोसफी का भी है। मैट्री मेडिकल की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में 10 दवाइयाँ हैं और 12 बायोकेमिक है जिनका इम्तहान में सवाल आएगा। सेकंड ईयर में तकरीबन 34-35 है और बायोकेमिक भी साथ में, थर्ड ईयर में 45 है और फाइनल ईयर में कंपैरिजन आता है, तकरीबन 12 दवाओं का कंपैरिजन है, उसके अलावा भी बाद दफ़ा आ जाता है तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो। फिलोसफी में अगर बात की जाए तो फिलोसफी में कंपेरेटिवली कुछ मिलते जुलते सवाल ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर साल आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल नियाज़म वाले सवाल को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, नियाज़म वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा नियाज़म का पूरा सवाल आ जाता है कि नियाज़म के बारे में बताएं, या बाज़ दफ़ा यह सिर्फ सोरा का अलग से सवाल आता है, सिफिलिस का अलग से आता है और साइकोसिस का अलग, मतलब ये तीनों शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं और ये पूरा लॉन्ग सवाल भी आ सकते हैं। नियाज़म के अलावा फिलोसफी में जो आपके एक तो हैनीमैन की पूरा क्लासिफिकेशन है कि हैनीमैन की हिस्ट्री, स्ट्रेच ऑफ हैनीमैन, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कॉमन है, फाइनल ईयर में इतना ही हैनीमैन के बारे में नहीं आता। थर्ड ईयर में एक टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी का जो कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आ सकता है, तो ये आपने देखना। बाज़ दफ़ा ये जो सेकेंड ईयर का पहला पोर्शन मिला था, फिजिशियन फर्स्ट ओनली मिशन स्टडीज फॉर द पेशेंट टू सीक टू हेल्प एज इट इज कम, तो ये भी आ जाता है सवाल कि मिशन ऑफ अ फिजिशियन, एक फिजिशियन का मिशन क्या है, तो फिजिशियन के मिशन में आपने फिलोसफी में ये पहला अफोरिज्म कोड करना है, फिजिशियन फर्स्ट एंड ओनली मिशन स्टडीज फॉर द पेशेंट टू सीक टू हेल्प एज इट इज कम। हैनीमैन ने क्या है पहले अफोरिज्म में कि फिजिशियन का सबसे पहला मकसद क्या है कि आपने मरीज को सही करना है, ठीक है। फिर दूसरे अफोरिज्म में हैनीमैन ने क्या है, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल एंड कंट्रोलेबल ऑफ द डिजीज। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के सवाल, ये भी फिलोसफी में बहुत कॉमन है, प्रिंसिपल में कोई सिंगल रेमेडी है, सिमिलर रेमेडी है, फिर वो ड्रग प्रूविंग वाला सवाल है, वाइटल फोर्स वाला सवाल है, ये वो सवाल है कि अगर इसका प्रिपेयर कर लें तो जो चॉइस के अलावा जो सवाल होते हैं आपके आराम से हो जाए। कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअल होते हैं जैसे क्वालिटीज ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क थ्रू द नर्व नॉट फ्रॉम द ब्लड, के होम्योपैथिक की दवा जो है वो नर्व के थ्रू असर करती है, ब्लड के थ्रू असर नहीं करती, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इन कॉन्सेप्चुअल सवाल के अंदर आपने क्या करना है, अपना थॉट लिखना है और अपने पास से इसको करना है, ये किसी फाइबर में आपको नहीं मिलेगा। इस तरह के एक दो सवाल लाजमी फिलोसफी में आते हैं, खासतौर पर फाइनल ईयर के बच्चे याद रहे, जैसे कि मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो या शायद पढ़ाने का सिलसिला था तो एक सवाल आया था सीडोमियाज़म का। सीडोमियाज़म मतलब ऐसी कंडीशन जो मियाजमेटिक नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मियाज़म, जैसे कि इनडिस्पोजिशन वाली हालत हम देखते हैं, एक शॉर्ट बोर्ड में सवाल आता है फिलोसफी में इनडिस्पोजिशन, यानी कि अगर आपने सारी रात जो है वो मेहनत की है या सारी रात शादी में आपने गाने वाने गाए या कोई ऐसा वर्क कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, सुबह ऐसा लगता है कि बुखार हो रहा है, वो बुखार नहीं वो थकावट है, तो इट इज़ फॉर इनडिस्पोजिशन। तो ये सवाल आता है वन साइडेड डिजीज़ ये कि पेशेंट सिर्फ एक सिम्टम बता रहा है, कंप्लीटली बता रहा है। लोकल मेलेडीज़ यानी कि चोट लग जाना, जल जाना, तो ये सारा लोकल मेलेडीज वाला शॉर्ट फॉर्म है। तो ये वो मेन बात है जो मैंने फिलोसफी की आपको बताई, ये सवाल आएंगे और आप देखेंगे कि इनमें से लाजमी सवाल आएंगे और अगर ये सवाल आप प्रिपेयर कर लेते तो आपका सवाल हो जाएगा।
इफेक्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल डोजेज, ये सवाल भी अक्सर हम देखने के आता है। तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रहे हैं, जो आप हमने कहा कि जो ख्वाहिशमंद बच्चे हैं वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम डिटेल में चीज़ें शेयर करेंगे सारे एयर के लिए। आगे बढ़े तो मेट्रिया मेडिका, मेट्रिया मेडिका में अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में चूँकि दवाइयाँ हैं 10, हर दवा के साथ आपने इंट्रोडक्शन लाजमी लिखना। पहले आप दवा का इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो लिखने के बाद आप उस दवा के बारे में जो सवाल आया है उस सवाल को करेंगे। सिम्टम को हेडिंग डाल के लिखें, सिंपल मत लिखें। फॉर एग्जांपल एकोनाइड के सवाल आता है, एकोनाइड के माइंड सिम्टम बताएं।